ओके, गुड मॉर्निंग। वी आर कंटिन्यू पुश डाउन ऑटोमेटा, टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स टू क्लियर द डाउट्स। लेट्स स्टार्ट अ लैंग्वेज। कैपिटल एल इज इक्वल्स टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम, वेयर एन एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। मीन्स इसमें नल स्ट्रिंग नहीं है बच्चों। तो इसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे। एक चीज ध्यान देना बच्चों कि ये लैंग्वेज अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी देन ही पुश डाउन ऑटोमेटा पॉसिबल होगा। ये भी ध्यान देना, वो जो मैंने पीडीएफ सेंड करी है कि हाउ टू चेक द पर्टिकुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री और नॉट यूजिंग पंपिंग लीमा। पंपिंग लीमा से रेगुलर को भी चेक करते थे, कौन रेगुलर नहीं है। अब पंपिंग लीमा का यूज करके हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को चेक करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि नहीं। और वैसे उससे भी करेंगे, थोड़ा सा एक हिंट भी दे देता हूँ क्या कैसे पता करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज अगर दी है, अगर उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है दूसरे इनपुट से, केवल एक ही टाइप का इनपुट है, ठीक है ना, तो रेगुलर होती है बच्चों हमेशा। या जैसे ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, इसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ ए डिफरेंट नंबर ऑफ बी है, ठीक है ना, तो ये भी रेगुलर है। लेकिन अगर जैसे आ जाता है ए की पावर एन, बी की पावर एम, तो ये रेगुलर नहीं होती है। मे बी समटाइम्स, लेकिन कोई भी चीज़ रेगुलर तभी होगी जब ऑलवेज इसका फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल हो। क्लियर है, या रेगुलर ग्रामर, रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें कंपेरिजन किसका है, ए और बी इक्वलिटी का, क्योंकि इसमें इक्वल प्रूफ नहीं करना है, इसलिए ए के बाद बी, ठीक है ना, जरूर नहीं इक्वल हो। इसमें क्या है कि चूंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में या रेगुलर लैंग्वेज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता कि इसको रिमेम्बर करें, कितने या काउंटिंग करें कि हाउ मेनी एज आर रीड, उसके बाद बी को रीड करने पर कंपेयर कर सके कि ये दोनों इक्वल्स हैं। इसीलिए मैंने बताया था आपको पहले कि ये और ये दोनों उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए डिफरेंट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ देखते हैं, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ इक्वलिटी चेक करते हैं, दैट इज कंपेरिजन। तो ये होता है ड्रॉबैक फाइनाइट ऑटोमेटा या रेगुलर लैंग्वेज का, कि अगर एक ही टाइप का है तो, या दूसरा है तो डिफरेंट कंपैरिजन, यानी इक्वलिटी नहीं है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल होगा, भले लैंग्वेज इनफाइनाइट है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से हो जाता है इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ बी, फाइनाइट ऑटोमेटा इसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए रेगुलर लैंग्वेज नहीं होता। पंपिंग लीमा से भी प्रूफ कर सकते हो। सिमिलरली बात यह है, इस टाइप के लैंग्वेज को बोलते हैं फिर क्या बच्चों, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट फ्री में चूंकि स्टैक का यूज करते हैं, इसलिए स्टैक की हेल्प से हम क्या करते हैं कि पहले ए को हम रीड करेंगे तो उसको क्या करेंगे, स्टैक में पुश करते चले जाते हैं, और फिर जैसे ही बी इनपुट आता है तो स्टैक से एक इनपुट रीड करने पर, या जो भी रूल हम डिजाइन करेंगे उस रूल के अकॉर्डिंग उसको पॉप कर देंगे। तो वही है कि बी इनपुट फिनिश होने के बाद अगर स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तो कंपैरिजन होता है कि दोनों इक्वल थे इसलिए फिनिश हो गया। अगर या तो इनपुट बचा रहता है स्टैक में पहले खाली हो जाता है, या इनपुट खत्म हो जाता है स्टैक में एलिमेंट रहता है, तो हम बता देते हैं दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन ये कब फेल होता है, जब इसमें थ्री सेम टाइप के आपके कंपेरिजन हो जाते हैं, मीन्स इक्वल नंबर ऑफ ए, इक्वल नंबर ऑफ बी, इक्वल नंबर ऑफ सी, तो ये हो जाती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इससे बनेगा। तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है। पुश डाउन ऑटोमेटा मींस जो लैंग्वेज अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगी उसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है ना। तो ये नॉर्मल से कंपेरिजन एक टाइप का अगर है तो आपका पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये डिफरेंट है तो भी पॉसिबल है रेगुलर, लेकिन सेम टू सेम कंपेरिजन है तो नहीं है। सिमिलरली इसमें देखो, दो तक तो ठीक है, ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, सी की पावर एम है, तो इक्वालिटी किसकी है, केवल दो में, ए और बी की, सी डिफरेंट हो गया, तो ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है बच्चों, ये चलेगी। लेकिन जैसे तीसरा जो आए, ये भी तीन अगर इक्वल हो गए तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। वो डिफरेंट तरीके से होता है, पंपिंग लीमा चेक कर लेना। अब आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, बीच बीच में मैं इसको बताता रहूंगा जरूर। जैसे है, अब देखो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, क्यों, इसमें ए को कंपेयर किया गया बी से, दोनों इक्वल हैं, सी से हमें मतलब नहीं है क्योंकि सी क्या है, डिफरेंट है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ठीक है। तो बनता कैसे है, इसको अपने दिमाग से देखते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें दो ही रूल है, एक को अगर रीड करो तो पुश करो और दूसरे इनपुट से उसको पॉप कर दो। अगर तीसरा इनपुट आता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता,
ना पुश ना पॉप, नो ऑपरेशन ऑन स्टैक। स्टैक में कोई चेंज नहीं करते, बस स्टेट चेंज करते चले जाते हैं जब तक कि इनपुट मिल रहा है। जैसे देखो केवल किसका कंपैरिजन है, ए और बी का, क्योंकि इक्वल है, यानी ए ए बी बी लाइक दिस। यानी ए आई स्टैक में तो आप क्या करो, सबसे पहले स्टैक में ये शो करने के लिए ब्लैंक है बॉटम में जेड नॉट, अगर ए आता है बच्चों इनपुट रीड करते हो तो पुश कर दो, फिर दूसरा ए आता है तो इसको भी पुश कर दो। इसी तरह क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी हैं, ठीक है, फिर जैसे आपका बी आता है बच्चों तो एक बी से ए के आप पॉप कर दो, फिर नेक्स्ट बी पॉप कर दो। अब इनपुट क्या आएगा, अब क्या आएगा इनपुट सी आएगा, तो सी जो है ए और बी की इक्वल नहीं है या मैं डिफरेंट है, तो एक सी हो सकता है, दो सी, कितने भी एन टाइम सी हो सकते हैं। तो अब इस केस में क्या करते हैं, चूंकि स्टैक क्या हो चुका है बच्चों खाली, क्यों, इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी से स्टैक हमारा खाली हो चुका है, तो सी का क्या रोल होगा फिर उस केस में, क्या करते हैं हम सिंपली, अगर तो आप इस तरह से लिख सकते हो ट्रांजिशन, मान लो जिस स्टेट में हो गया आप, अगर सी इनपुट आता है बच्चों तो स्टैक में क्या मिलेगा आपको टॉप पे जेड नॉट मिलेगा। क्यों जेड नॉट मिलेगा, क्योंकि ए और बी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। तो इस केस में क्या करते हैं सिंपली, स्टेट अगर क्यू है तो चेंज कर देते हैं, कुछ भी है केवल स्टेट चेंज करते हैं, और ये आपका सिंपली स्टैक में कोई ऑपरेशन नहीं करते। स्टैक में जो चीज है, क्योंकि ऑपरेशन का क्या फायदा, वो तो ब्लैंक है, खाली है, तो सिंपली ये हो गया आपका कि जब फर्स्ट सी रीड करोगे तो सिंपली स्टेट चेंज कर दोगे स्टैक में। इसको बोलते हैं नो ऑपरेशन ऑन स्टैक, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम कहां पहुंच गए हैं, स्टेट में आगे बढ़ गए हैं, तो स्टेट जब चेंज होने के बाद भी एक से ज्यादा सी हो सकते हैं, तो इस सी को रीड करो, ठीक है, फिर जेड नॉट, क्योंकि स्टैक के टॉप पर तो जेड नॉट रहेगा, क्योंकि जेड नॉट का मतलब ही स्टैक आपका क्या है, खाली है। इस केस में क्या करेंगे, अब स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किस लिए स्टेट है, केवल सी इनपुट रीड करने के लिए, और स्टैक में कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फाइनल स्टेट लास्ट में। अब इसी को मैं यहाँ पर डायग्राम से शो किया हुआ हूँ। देखो सबसे पहला काम जानते हो आप कि एक स्टेट होती है किसके लिए, अगर पुश ऑपरेशन है, ठीक है, और सेम स्टेट जो होती है बच्चों दूसरे इनपुट के लिए भी वही हो सकती है, पुश अगर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस पॉप होगा तो स्टेट चेंज होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है पॉप में भी स्टेट नहीं चेंज होती है, वो केस जब भी आएगा तो बता दूंगा। तो ए आपका आया तो सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट ए आता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है किसमें हमेशा किससे स्टार्ट होगा, ए से ही होगा, बी से तो होगा नहीं, तो ए से होगा। तो जब फर्स्ट ए आएगा बच्चों, तो अब मैं बार बार ये ट्रांजिशन फंक्शन नहीं लिखूंगा, ट्रांजिशन डायग्राम से समझते जाना, ठीक है ना, टाइम आपका बचेगा। अभी स्टार्टिंग बताता चल रहा हूँ, जैसे आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू जीरो है, तो फर्स्ट इनपुट हमेशा क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्लियर है, और स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, जेड नॉट मिलेगा, क्योंकि जेड नॉट क्या शो करता है कि आपका स्टैक इनिशियली एम्प्टी है। तो इसमें जो मूव होता है, मूव बोलते हैं या चेंज होता है ट्रांजिशन में, क्या होता है, जब फर्स्ट इनपुट होता है तो इसको क्या करते हैं बच्चों, स्टैक में पुश करते हैं, ठीक है, और स्टेट चेंज नहीं करते। पहला काम तो ये कि स्टेट चेंज नहीं करते हैं, और एक पुश पुश करने का तरीका है होता है, ये टॉप आ गया, जेड उसके नीचे आ गया, क्लियर है, ये फर्स्ट ए होता है, ये शो किया हुआ है, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, ए इनपुट, जेड नॉट टॉप पे, और जो चेंज किया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा ए जेड नॉट, क्लियर है। फिर क्या होता है बच्चों, ये तो हो गया फर्स्ट ए, अब जब सेकेंड ए रीड करोगे उस केस में स्टेट हमारी चेंज नहीं, अब यहां देखते हैं स्टेट, ठीक है, फिर इनपुट क्या मिलेगा आपको, ए ही रहेगा। अब आप चेक करिए, अब आप देखेंगे ए के पुश हो चुका है, तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा आपको, इसे भी देख लो, स्टैक के टॉप पर ये होता है जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है, आपको जब सेकंड ए रीड करोगे तो ऑपरेशन सेकंड ए के लिए भी क्या होगा, क्योंकि ए जितने भी आएंगे सब क्या होंगे, पुश होंगे, तो हो जाएगा स्टेट चेंज नहीं होगा पुश के लिए, ए डबल ए, ठीक है, इसके लिए ये लिखा हुआ है
इनिशियल स्टेट स्टेट चेंज नहीं हुई है, इनपुट ए, अगर इनपुट ए है और स्टैक के टॉप पे क्या है ए है, तो सिंपली इसको पुश कर दो, यानी सेकंड ए को भी पुश कर दो। क्लियर है? अब सपोज करो बच्चों थर्ड ए आता, जैसे मान लो ट्रिपल ए होता, ट्रिपल बी होता, इस तरह से सी सी लाइक दैट, तो ट्रिपल ए आता तो उस केस में क्या होता, देखो स्टेट आपकी कौन सी है, क्यू नॉट है, और इनपुट आपका क्या है ए, ठीक है, और स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा आपको, यहां पर ए ही मिलेगा। और जो चेंज होगा ट्रांजिशन में, दो चीज होती है बच्चों ट्रांजिशन में, एक स्टेट चेंज होती है और चेंज किस में होता है, स्टैक में, स्टेट तो चेंज नहीं होगा पुश में, और यहां पर भी ये पुश हो जाएगा, तो आप ये दोनों देखिए सिमिलर ट्रांजिशन है, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि दिस लाइन इज फॉर टू और मोर देन ए, सेम ट्रांजिशन होता है, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं होती है, न इनपुट चेंज होता है, न स्टैक चेंज होता है। बट जब बी आता है, अब इनपुट चेंज हो गया आपका और ए और बी इक्वल्स हैं तो ही करते हैं ये, अब पॉप करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी फिलहाल आपकी स्टेट क्या है, क्यू नॉट, अब इनपुट आपका चेंज हो गया बी, तो मैंने कहा चूंकि इक्वल कंपैरिजन करना है और चूंकि बी के बाद ये नहीं आना है, अगर बी के बाद ए आता तो सेम स्टेट में ऑपरेशन कर सकते थे, लेकिन एक बार अगर बी पे पहुंच गए तो लैंग्वेज ये है कि देख लो बी के बाद क्या आएगा, सी, कभी भी आगे ए नहीं आएगा, तो एक बार बी स्टेट इसीलिए चेंज करते हैं कि बी पर जाने के बाद ए पर नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब बी इनपुट देने पर स्टेट हमारी चेंज कर देते हैं। अब बी रीड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अभी क्या आया है, बी से पहले क्या इंसर्ट हुआ है, ए, तो स्टैक के टॉप पर ऑब्वियस सी बात है ए दिखेगा, तो जैसे ही आपको बी दिखे तो स्टैक के टॉप पर ऑटोमेटिक ए मिलेगा क्योंकि ए इंसर्ट हो चुका है, तो अगला क्या होगा आपका, स्टेट हमने चेंज कर दिया, अब स्टेट हमारी किसके लिए होगा, केवल बी इनपुट के लिए, तो अगली स्टेट हमारी क्या है, क्यू वन, और आपको पता है पॉप दिखाने के लिए क्या शो करते हैं, ये नल, इसका मतलब होता है कि स्टैक के जो टॉप पर था उसको हमने इरेज कर दिया, तो स्टैक के टॉप पर क्या था, एक, इसका मतलब सिंगल, केवल टॉप एलिमेंट, इसका मतलब सिंगल ए, तो सिंगल ए यानी ब्रैकेट बराबर लिख दे रहा हूँ, जब एक भी रीड करोगे तो टॉप का ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो अब स्टेट आपकी चेंज हो गई क्यू वन, लेकिन इनपुट अगर दूसरा इनपुट ये तो फर्स्ट भी था, जब सेकंड भी रीड करोगे तो भी ए ही मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों इक्वल शो करना है ए और बी, इसलिए मिलेगा, जब तक बी मिलेगा तब तक ए मिलेगा, इक्वल है तो। आगे देखिए सेम आपको अब स्टेट चेंज नहीं करनी है, क्योंकि ये किसका ऑपरेशन है, बी का, ठीक है ना, स्टेट मैं बार बार कह रहा हूँ क्यों चेंज किया था, क्योंकि बी के बाद ए नहीं आना है, इसलिए ए वाली स्टेट पर अब नहीं रह सकते, ठीक है, अगर मान लो यहाँ बी कर देते और बी के बाद फिर दोबारा भी ए इनपुट रीड कर सकते थे अगर सेम स्टेट में है, जो कि गलत हो जाता सीक्वेंस स्ट्रिंग का, ठीक है ना, इसलिए स्टेट चेंज करनी पड़ती है। स्टेट कब चेंज करनी पड़ती है कि इनपुट के बाद जिस स्टेट के लिए, ए के लिए क्यू जीरो थी, ठीक है, तो बी को आप यहाँ दे सकते थे, बसरते बी के बाद क्या आ जाता, ए इनपुट अगर सीक्वेंस में, लेकिन बी के बाद कभी ए नहीं आएगा, इसलिए स्टेट चेंज करना ही भलाई है, क्योंकि अगर क्योंकि बी रीड करने के बाद अगर सेम स्टेट में रहोगे तो चूंकि ये ट्रांजिशन दिया है, ए भी रीड किया जा सकता, ठीक है, जो गलत हो जाता। ओके नाउ यहाँ पर आए हम क्यू वन स्टेट, बी इनपुट, स्टैक के टॉप पर ए, फिर से हम क्या करेंगे पॉप, इसका क्या मतलब होता है, पॉप यानी पॉप मीन्स स्टैक के यहाँ जो टॉप पर था सिंगल एलिमेंट को इरेज कर दिया, यानी ये अगर सेकंड बी को हमने रीड किया, इसी तरह से थर्ड भी रीड करोगे, ठीक है ना बच्चों, हमने सेकंड के लिए बनाया था फिलहाल, अब इसी तरह आप थर्ड इसी तरह आप थर्ड बी रीड करो, फोर्थ भी, कितने बी रीड करोगे आपको स्टैक के टॉप पर ए ही मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि ए और बी क्या है, इक्वल है, जो आपका नेक्स्ट ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, स्टेट इस समय क्यू वन में होगा, जब बी आपका फिनिश हो जाएगा बच्चों, तो बी फिनिश होते ही क्या मिलेगा आपको, सी इनपुट, और स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, क्योंकि अगर बी फिनिश हो गया है तो इसका मतलब ए भी फिनिश हो गया है, क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं, तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, जेड नॉट, दैट इज अब आप कहाँ पहुंच जाओ, स्टेट चेंज कर दो, ये फाइनल
नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी दिखाता हूँ, देखना। स्टेट हमने चेंज कर दिए, कहाँ चले गए हम, Q2 पे। और यहाँ पर देखिए सी इनपुट रीड करने पर स्टैक के टॉप पर क्या था, जेड नॉट। क्यों था, क्योंकि वो भी एक दूसरे कैंसिल कर चुके हैं। तो इस केस में हमने सिंपली स्टेट चेंज किया बच्चों, Q1 से कहाँ पहुंच गए, Q2 पर। स्टैक के टॉप पे जाता हो एज इट इज रहा, यानी नो चेंज दिखाने के लिए एज इट इज लिखते हैं, यानी जो स्टैक के टॉप पे था वो एज इट इज रहेगा। इसको बोलते हैं नो ऑपरेशन ऑन स्टैक। इसी की अगला है, आप कहाँ पहुंच गए, Q2 पे। इनपुट क्या मिलेगा, मान लो ये तो फर्स्ट सीधा, अगर एक से ज्यादा भी सी हो सकता है। तो चूंकि स्टैक में कोई चेंज नहीं करते हैं और स्टैक खाली है, तो हमेशा क्या मिलेगा, जेड नॉट। फिर से क्या शो करेंगे, स्टेट अब चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और स्टैक के ऑपरेशन भी कुछ भी चेंज नहीं करते। इसी को लिए बोलते हैं बच्चों, जो मैंने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो मैंने क्या बोला था, सिंगलटन और एम्प्टी मूव, इसे ही बोलते हैं एम्प्टी मूव फाई, यानी कुछ भी चेंज नहीं है। स्टेट भी वही है, स्टैक में भी वही है, जबकि इनपुट हम रीड कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं एम्प्टी मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये हो गया सारे सी के लिए। अब आता है जब सी भी फिनिश हो गया, कहां थे आप, Q2 में, इनपुट सी फिनिश हो जाएगा, तो इनपुट क्या बचेगा यहाँ, नल। यही शो करता है कि ऑल इनपुट हैज बीन फिनिश। लेकिन स्टैक के टॉप पर क्यों रहेगा, जेड नॉट रहेगा, क्योंकि जेड नॉट ही शो करेगा स्टैक आपका फिनिश। तब आप सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, ये शो करेगा कि आप जब नल इनपुट रीड करेंगे Q2 पे और स्टैक के टॉप पर जेड नॉट होगा, तो कोई चेंज नहीं करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट में, ठीक है, Q F और स्टैक के टॉप पर जेड नॉट। तो बच्चों ये ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है, ये ट्रांजिशन डायग्राम है, कैसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर हमने ले लिया, इसका एग्जांपल तुम लोगों को दिखाता हूँ, एक अगर आपने ले लिया AA BCC, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले जेड नॉट होता है, आप फर्स्ट ए रीड करोगे तो पुश कर दोगे। यहाँ डायग्राम भी देखो, फर्स्ट ए स्टैक के टॉप पे क्या था, जेड नॉट, पुश कर दोगे ए जेड नॉट। फिर सेकंड ए के लिए क्या है, ये है इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे ए पुश कर दिया। फिर क्या है बच्चों, बी है, तो बी जो है यहाँ पे, अब आपने बी रीड किया, ठीक है, तो बी रीड करते ही स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है, ऑब्वियस सी बात है, तो हमने क्या लिखा है, नल। इसका मतलब क्या होता है, स्टैक का टॉप एलिमिनेट हो गया। फिर Q1 स्टेट में जाते ही फिर से बी इनपुट मिला, तो बी हमें है नहीं, क्या मिल गया हमको, सी। अभी फिलहाल हम कहाँ हैं, Q1 पे हैं, तो Q1 पे अगर हमें सी मिलता है बच्चों, क्या मिलता है, सी मिलता है, ठीक है, तो सी इनपुट अगर मिलता है हमको, तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा, यहाँ Q1 पे थे, इनपुट सी था। अब देखो स्टैक के टॉप पर अभी ये क्या हुआ है, बचा हुआ है, जेड नॉट नहीं है। तो आप देखो Q1 में हो, इनपुट सी है और स्टैक के टॉप पर ए का कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो इसे ही बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हॉल्ट। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या हो जाएगा, हॉल्ट। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग का पैटर्न के लिए हमने बनाया नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ पी के लिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसी के लिए बोलते हैं डेड कॉन्फिगरेशन, ये डेड कॉन्फिगरेशन हो जाएगा या हॉल्टिंग। क्लियर है, क्यों, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो एक लैंग्वेज है a की पावर m प्लस n, b की पावर है m, c की पावर है n, और n और m क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये देखो पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि
इसमें केवल दो ही इनपुट का कंपैरिजन इक्वलिटी, किसका, ए और बी का। अगर इसको आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ए की पावर एम, उसके बाद मिलेगा ए की पावर एन, बी की पावर एम एंड सी की पावर एन, यही है। तो इसमें होगा ए, अगर आप रीड करते हो, अगर आप ए रीड करते हो, नहीं ए, इसको तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ए की पावर एम प्लस एन ही रहने दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। ए की पावर एम प्लस एन और बी की पावर भी एम प्लस एन, तो देखो दो ही कंपेरिजन हो गया, ए और बी का, दोनों क्या हो गए, इक्वल नंबर हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए क्या है, आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो गई। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, ए की पावर एम प्लस एन, बी की पावर एम प्लस एन, ठीक है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री। अब देखो इसका पुश डाउन कैसे बनेगा, फिर तो सिंपल हो गया, ए की पावर एन बी की पावर एन की तरह हो गया। मीन्स सारे ए जितने भी आएंगे पुश हो जाएंगे और बी आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, क्लियर है ना। देखो क्यों ट्रांजिशन डायग्राम बना रहा हूँ, फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। तो मान लो बच्चों कोई स्टेट क्यू जीरो है, ठीक है, फर्स्ट ए आएगा तो फर्स्ट एक पहचान क्या होती है, ए, और स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा, जेड नॉट। तो फर्स्ट ए पे क्या करोगे आप, पुश करोगे, पुश का मतलब होगा जेड नॉट के ऊपर क्या पुश कर दिया, ए, क्लियर है। और अगर बच्चों सेकेंड ए आता है, सेकेंड ए में का मतलब क्या हुआ, इनपुट आपका क्या रहेगा, ए ही रहेगा, और सेकेंड ए का मतलब ए के पुश हो चुका है, तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, ए क्या शो करता है, स्टैक का टॉप, स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, ए, क्लियर है। तो क्या चेंज हो जाएगा, ये भी पुश हो जाएगा, ये पुश हो जाएगा, ये अपनी पोजीशन, ये है स्टैक का टॉप पुराना वाला, ये, और ये जो नया पुश होता है ये टॉप पे आ जाता है, ठीक है। अब चाहे 2A हो, चाहे 3A, चाहे 4A, चाहे कितने भी ए हो, एम प्लस एन से मतलब नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपको बी मिलता है, क्या मिलता है आपको, बी मिलता है, सॉरी सॉरी ये सी है बच्चों, आई हैव नॉट नोटिस्ड, ये तो और सिंपल हो गया, फिर ये तो और सिंपल हो गया, ए की पावर आपका क्या हो गया, एम, और ए की पावर ही आपका हो गया एन। तो ए को आपने पहले कितने पुश करा लिए, फिर जैसे ही आपको क्या मिलता है, बी मिलता है, तो बी से क्या करा दो इसको, पॉप। अभी इसको समझाता हूँ, जब बी आपको मिलेगा इनपुट, तो बी की जस्ट बाद क्या आएगा आपको, हमेशा सॉरी, ए के बाद क्या मिलेगा आपको, बी। तो ए ऑलरेडी पुश हो चुका है, ठीक है ना, तो बी इनपुट पर स्टैक क्या मिलेगा, ए, तो आप पॉप करा दो और स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट किस केस में चेंज होती है, बता चुका हूँ, स्टेट उस चेंज में केस में चेंज होती है कि जिस इनपुट को रीड कर रहे हो उस इनपुट के बाद वो प्रीवियस वाला इनपुट ना आए, तो बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अगला इनपुट मान लो हम इस स्टेट पर आ गए फिर से, ये तो फर्स्ट बी जब मिलना था, ये क्या मिला आपका, सेकेंड बी मिलता है या थर्ड बी, तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बी इज लेस देन नंबर ऑफ ए है, ए की पावर एम, और ए कितने ज्यादा है, ए नंबर ऑफ ए ज्यादा है, तो बी फिनिश भी हो जाएगा, तो ए आपका क्या रहेगा, बचा रहेगा। तो हमेशा क्या मिलेगा स्टैक के टॉप पे, ए मिलेगा बच्चों। तो आप क्या करो, फिर भी आप क्या करो, पॉप करो, ठीक है ना। तो आपका ऐसा कोई केस नहीं बनेगा कि इनपुट बी हो और यहां पर स्टैक के टॉप पर जेड नॉट आ जाए, क्यों, क्योंकि ये आपको साफ साफ दिख रहा है ज्यादा है। अगला है आपका, अगर सपोज करो बी फिनिश हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो आपको अगला इनपुट क्या मिलेगा, सी, चूंकि सी के बाद ए नहीं आएगा, सी के बाद क्या आ रहा है ना, ए आएगा ना बी आएगा, तो इसलिए यहां भी स्टेट चेंज होगी। इनपुट अगर सी आता है तो आपको स्टैक पे क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्यों, ये फिनिश नहीं हुआ। अब कितने ए बचे हैं, जितने सी हैं, ध्यान दो, इसको अगर आप खोलोगे तो हो जाएगा आपका ए की पावर, चलो एन पहले लिख देता हूं, बी की ए की पावर एम, बी की पावर एम एंड सी की पावर एन, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमने ए
एन नंबर ऑफ ए पुश कर लिए, एम नंबर ऑफ पुश कर लिए सारे, ठीक है। फिर जैसे ही एम नंबर ऑफ बी आया तो उससे क्या कैंसिल हो गया, एम नंबर ऑफ ए, ये दोनों इक्वल कैंसिल कर दिए एक दूसरे को भाई। एम ए जो पुश हुए थे वो किससे कैंसिल हो गए, एम बी से। अब रिमेनिंग कितने बचेंगे स्टैक में, क्योंकि ए को पुश किया था एन नंबर, तो ए हमारा क्या करेगा सी, अब सी को रीड करेंगे तो कितने ही बचेंगे स्टैक में, एन नंबर, तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। और आप क्या करोगे फिर पॉप कर दो, क्लियर है। जब पॉप करोगे स्टेट मान लो आपके हो गए क्यू टू, ये था फर्स्ट सी। अब एक, अब जितने भी सी मिलेंगे स्टैक के टॉप पर ए ही मिलेगा, क्योंकि अब कितने ए बचे हैं इक्वल ऑफ सी, तो ए हो जाएगा बच्चों ए, और आप क्या करते जाओ पॉप। अब आगे कैसे बढ़ोगे, जब सी फिनिश हो जाएगा, यानी वो क्या शो करता है इनपुट नल, जब सी फिनिश हो जाएगा तो स्टैक भी क्या हो जाएगा खाली, क्योंकि ए और सी क्या थे इक्वल थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड नॉट, तो यानी कि स्टैक में कोई चेंज नहीं करोगे और कहाँ पहुंच जाओगे फाइनल में, क्लियर है। एक एग्जांपल फट से लेता हूँ, इस टाइप की स्ट्रिंग क्या बनेगी देख लो, इसको फिर से रिपीट करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर दिया, ए की पावर एन और ए की पावर एम, दो पार्ट में एक ब्रेक कर दिया, और बी की पावर एम सी की पावर एन, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री कैसे, क्यों दो चीजों कंपेरिजन इक्वलिटी, ये एम नंबर और एन नंबर, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग क्या बनेगी इसकी बच्चों, इसकी स्ट्रिंग बनेगी मान लो ये हो गई ए, मान लो हो गई हमारी ए, तो ए हो जाएगा बी, बी कितने थे जितने टू ए के बराबर, और सी कितने हो जाएंगे थ्री, वन टू थ्री, समझ में आया, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, नहीं ये कितने हो गए फाइव, और बी और सी मिला कितने हो गए फाइव, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, यही स्ट्रिंग बनेगी। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेना है कि ए हो गया हमारा बी के लिए, ए हो गया हमारा सी के लिए। तो बेसिकली करना क्या है हमें, अगर स्टैक बनाए तो यहां पर देखिए, जब फर्स्ट ए आएगा कैसे पहचानते हैं स्टैक के टॉप पर क्या होगा जेड नॉट, तो हम क्या कर देंगे पुश कर देंगे, फर्स्ट ए आया, फिर क्या आएंगे सेकंड ए आएगा, ए है सेकंड ए के लिए, सेकंड ए आएगा तो स्टैक के टॉप पे ऑब्वियस सी बात है क्या मिलेगा ए मिलेगा, तो इसको भी पुश कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड ए आएगा उसको भी पुश कर देंगे इसी केस उसके अकॉर्डिंग, फोर्थ है कितने ए आएंगे सारे क्या होंगे इसके अकॉर्डिंग पुश होते चले जाएंगे, टोटल फाइव ए हैं तो पुश हो गए बच्चों। अब आता है हमारा बी, जब इनपुट, जब इनपुट क्या आता है बी, स्टेट क्या है क्यू जीरो, क्यू जीरो को जब बी इनपुट दोगे तो स्टैक के टॉप पर क्या है आपका ए है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ए पुश हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नल, इसका मतलब क्या होता है ए को इरेज कर देना, ए को इरेज कर दिया। अब कहाँ आ गया क्यू वन पे, फिर इनपुट अगर मिलता है बी, ठीक है, तो स्टैक के टॉप पर ऑब्वियस सी बात है ए मिलेगा, क्यों मिलेगा नंबर ऑफ ए बी से ज्यादा है, तो अगर सेकंड बी मिला तो स्टैक के टॉप पर जो है उसको भी इरेज कर दिया, क्लियर है। अब केस क्या हुआ, बी अगर आपका फिनिश हो गया तो जब बी फिनिश होगा तो ही सी मिलेगा, अदरवाइज यहीं पर हम क्या करेंगे स्टैक के टॉप पर ए मिलता जाएगा, इरेज करते चले जाएंगे पॉप करते चले जाएंगे। जैसे सी मिलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि ए इसके इक्वल है तो सी मिलते स्टैक के टॉप पर क्या है ए है, ये है ना सी स्टैक के टॉप पर ए है, इसका मतलब क्या है ए को पॉप कर दो सी मिलते ही फर्स्ट सेकेंड, जब स्टेट चेंज हो चुकी है, स्टेट तभी चेंज करते हैं क्योंकि सी के बाद जो प्रीवियस वाले इनपुट थे, प्रीवियस इनपुट यानी बी के लिए स्टेट थी ए के लिए, तो ये वापस नहीं आएंगे इसलिए हम सी को चेंज करते हैं। अब ये है अगर सेकंड सी आया तो भी स्टैक के टॉप पर ए आएगा, क्यों आएगा क्योंकि सी और ए क्या है इक्वल नंबर्स में है, तो आपका ए भी चला गया। फिर अगला सी आता है फिर भी स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा आपको ए ही मिलेगा, इस सी से ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब जब सी जब तक रहेगा बच्चों तब तक स्टैक के टॉप पर ए रहेगा और यही ऑपरेशन चलता रहेगा सेम स्टेट में, जैसे ही सी इनपुट खत्म होगा तो इनपुट क्या हो जाएगा नल, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा नल, नल रीड करते ही ऑब्वियस सी बात है स्टैक के टॉप पर क्या मिल जाएगा जेड नॉट, ये शो करने के लिए होता है कि स्टैक इज एम्प्टी, तो उसमें कोई चेंज स्टैक में नहीं करते, सिंपली कहाँ पहुँचा देते हैं फाइनल स्टेट में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब
सपोज करो यू हैव अ गिवन लैंग्वेज एल इज इक्वल्स टू ए की पावर एन, बी की पावर एम प्लस एन, सी की पावर एम, एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन ऑल इज इक्वल टू वन। इसके लिए हमको पुश डाउन ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है, डिजाइन करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द गिवन लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री और नॉट। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ए की पावर एन और ये आपका आ जाएगा बी एम एन, तो ये बी की पावर एन हो जाएगा और बी की पावर एम, मैंने एन पहले लिख लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी की पावर एम। ठीक है, ये पुराना वाला क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता इसके पहले वाले से। ठीक है, इसमें दो ही कंपेरिजन है, बड़ा सिंपल है। ए को पुश करो बच्चों और बी को पॉप कर दो, तो फिनिश हो गया स्टैक खाली। ठीक है, फिर बी को आप क्या करो, पुश करो और सी को आप पॉप कर दो। ठीक है, तो ये कैसे होगा आप ये देखिए जरा, समझ में आ रहा है ना? एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे और एक दूसरे को एक कैंसिल कर देंगे, तो दो ही कंपैरिजन है। ठीक है, इसके लिए एक चीज और हो सकती है, ए एन प्लस एम, नहीं नहीं ये नहीं हो सकती क्योंकि बी है, सॉरी। चलो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ए आएगा, तो आपको पता है स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा, जेड नॉट, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं तो पुश कर देंगे ए जेड नॉट। ठीक है, अब अगर सेकंड ए आता है बच्चों तो क्या करोगे भाई, कितने भी ए आएंगे आपको क्या करना है, स्टैक ए क्या हो गया इनपुट और स्टैक टॉप पर चूंकि पुश हो चुका है तो क्या मिलेगा ये, इसको भी क्या करेंगे पुश कर देंगे। ठीक है ना, ये पुश हो गया। अभी थर्ड ए फोर्थ ए एन टाइम कितने भी ए आए, अब बच्चों जैसे ही आपको बी आता है, क्या आता है आपको बी आता है, तो उस केस में मैंने क्या बोला था आपको, इस बी से आपको क्या करना है पॉप करना है, बी इनपुट इस टैग के टॉप पे क्या मिलेगा आपको ए, और पॉप करने के लिए क्या शो करते हैं नल, यानी कि ए इस टैग के टॉप मिलते ही आपको क्या करना है पॉप। ठीक है, अब आपको कितने भी बी मिले हैं क्या करना है आपको पॉप करना है, तो हो जाएगा बी ए और पॉप। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, एक चीज इसमें आप और नोटिस करो कि जब भी फिनिश हो जाए, जब भी फिनिश हो जाएगा तो एक केस ऐसा आएगा बच्चों, बी फिनिश नहीं होगा, जैसे एन नंबर ऑफ बी फिनिश हो जाएंगे फिर और बी बचेंगे, तो एन नंबर ऑफ बी के लिए अगर सपोज करो इससे पता चलेगा स्टैक के टॉप पर ए है, इस बात को ध्यान समझना कि जैसे ही आपने सबसे पहले ये सारे पुश कर लिए, फिर आपने एन नंबर ऑफ बी से ए को एलिमिनेट किया, कैसे पता चलेगा ये कि जैसे इनपुट बी मिलेगा और स्टैक के टॉप पर ए मिलेगा, ये पता आपको चलता रहेगा कि ये ए के बराबर है, लेकिन जैसे मान लो बी तो फिनिश होगा ना क्योंकि फिर बी शुरू हो जाएगा, और चूंकि ए फिनिश होते ही स्टैक के टॉप पर क्या मिल जाएगा बच्चों, जेड नॉट मिल जाएगा। क्लियर है, तो जेड नॉट मिलते ही आपको क्या करना है, फिर से पुश करना है, क्यों करना है वो सी के लिए, तो पुश करने के लिए क्या हो जाएगा बी जेड नॉट। ये बात समझ में आई, ये केस तब है बी का जब ए स्टैक से फिनिश हो जाएगा, लेकिन बी फिनिश नहीं होगा, कितने बी फिनिश होंगे केवल एन नंबर ऑफ बी फिनिश होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे बी इनपुट फिर से रीड करो और स्टैक के टॉप पे क्या मिल जाए आपको जेड नॉट, इसका मतलब ए हमारा फिनिश हो गया, तो अब इसका इंडिकेशन है कि बी को फिर से पुश करो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट बी आपका आता है, अब सेकंड इसके बाद अगर बी आएगा बच्चों तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा बी, क्योंकि आप पुश कर चुके हो, तो फिर आप क्या करोगे कितने बी आए क्या करते जाओ पुश करते जाओ। ठीक है, अब आता है सी का नंबर, कि जैसे आपको सी आता है आप क्या करोगे, स्टेट क्यों चेंज करते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अब दोबारा सी के बाद बी नहीं आ सकता, अगर इसी स्टेट में ऑपरेशन करेंगे तो दोबारा बी का चांस होगा ये, क्योंकि ट्रांजिशन दिया है, सी के बाद बी भी ले लेंगे तो आपको करना पड़ेगा। अब सी इनपुट आएगा तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा आपको बी मिलेगा। क्लियर है,
उस केस में आप क्या करना पड़ेगा, पॉप। ये फर्स्ट सी था। अब अगर इसके बाद सी आता है बच्चों, इस टाइप का टॉप बी ही मिलेगा क्योंकि बी और सी क्या है, इक्वल्स हैं, तो आपको क्या करना है, पॉप। पॉप इसका मतलब क्या होता है कि बी को एलिमिनेट कर देना स्टैक के टॉप को। एक केस ऐसा आएगा जब सी भी फिनिश हो जाएगा। सी फिनिश होने का मतलब इनपुट क्या हो गया आपका, नल, और स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, क्योंकि बी और सी इक्वल थे तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा आपको, जेड नॉट। तो स्टैक में कोई चेंज नहीं करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे आप, फाइनल स्टेट में। इसको मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इसके लिए यही ले लेता हूँ, इसको रफ करके एक क्वेश्चन से इसको समझाता हूँ। जो ऊपर वाली लैंग्वेज थी उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग क्या बनती है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग जैसे था ना, ए की पावर एन, बी की पावर एन, फिर था बी की पावर एम, सी की पावर एम। तो मान लो ए आ जाता डबल ए, तो डबल बी हो गया, ये तो इसके लिए हो गया ए और बी। अब बी मान लो फिर से हमारा एक बी, ये किसके लिए, एम हो गया, और इसका मतलब एक ही सी होता, ठीक है, क्योंकि बी की पावर एम, सी की पावर एम, इस टाइप की स्ट्रिंग थी। अब मैं समझाता हूँ इसकी वर्किंग को। जब फर्स्ट ए आएगा बच्चों, जब फर्स्ट ए आता है, ठीक है, तो उसको ए है फर्स्ट ए का, स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा आपको, जेड नॉट, उसको पुश कर दिया हमने। फिर सेकंड ए आता है बच्चों, तो सेकंड ए अब स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, ए, ये है। जब इनपुट रीड किया ए, स्टैक के टॉप पर क्या है, ए, तो ए हो गया टॉप वाला स्टैक, नीचे खिसक जाएगा और नया वाला ये टॉप पे आ जाएगा, पुश हो गया। अब थ्री ए, फोर ए, कितने भी आए सब पुश हो जाएंगे। अब आती है बात बी की, ठीक है, आपने बी रीड किया, तो बी रीड करोगे तो क्या मिलेगा, स्टैक के टॉप पर ए, क्योंकि ए को पुश किया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर दो, पॉप, ये क्या शो करता है, पॉप, यानी कि इसको हमने स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट था ए, उसको हमने पॉप कर दिया। ये था फर्स्ट बी का। अब स्टेट चेंज हो चुकी है, अब यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पर अगर बी मिलता है इनपुट बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। कितने ए मिलेंगे, जितने बी हैं ये इक्वल, ठीक है। तो अब स्टैक के टॉप पर ए मिला, उसको एलिमिनेट कर दिया, क्लियर है। अब फिर से बी मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर थे जो भी स्टेट थी, इनपुट हमारा क्या मिला, बी, और स्टैक के टॉप पर अब ए नहीं है, क्योंकि उतने बी रीड हो चुके हैं, इसका मतलब जितने ए थे, अब फिर लेकिन बी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है आपको, जेड नॉट। यह कौन सा केस हुआ कि बी नो इनपुट रीड करने के बाद अगर स्टैक के टॉप पर जेड नॉट मिलता है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, बी को पुश करना है, ठीक है, यानी इस बी के बाद जितने बी आएंगे पुश करेंगे। अभी ए भी मिला, इसको हमने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया, अगर स्टैक के टॉप पर जेड नॉट था। अब इसी के बाद दो तीन कितने भी आए इनपुट बी, स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, बी मिलेगा, क्योंकि पुश कर चुके हो, पुश करते जाओ। फिर जैसे सी मिलता है बच्चों इनपुट, बी जब फिनिश हो जाएंगे तो स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, सी मिलता है आपको, क्योंकि सी के बाद अगर बी आता है बच्चों, तो स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सी के बाद अब बी इनपुट नहीं आएगा, इसलिए स्टेट चेंज कर रहे हैं। अब हमने सी इनपुट रीड किया, तो स्टैक के टॉप पर क्या मिला, बी ही मिलेगा, क्योंकि बी पुश हुआ था लेटेस्ट, तो हमने क्या बोला, इसको पॉप कर दो, इसको टॉप एलिमेंट को सी के। फिर अब स्टेट चेंज हो चुकी है, तब कितने भी सी इनपुट इसके बाद मिलते बच्चों, स्टैक के टॉप पर बी ही मिलता है, क्योंकि यहाँ क्या है, सी और बी इक्वल्स हैं, ठीक है, पॉप करते जाते, तब तक करते जाते जब सी फिनिश हो जाए। सी फिनिश होने के बाद इनपुट क्या मिलता, नल, और स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, जेड नॉट। स्टैक पे कोई चेंज नहीं करेंगे, पहुंच जाएंगे फाइनल स्टेट में, ठीक है।